जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्राणायाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हजारों लाखों करोड़ों साल से चली आ रही है, जो कि अपनी जीवन शैली में आहिस्ता आहिस्ता अपन भूलते जा रहे हैं। वीडियो को छोटे छोटे करके इसके कई सारे भाग बनाऊँगा मैं, जिसके अंदर पहले आज आपको मैं मिलाऊँगा अपने प्राचीन भारतीय परम्परा का एक हिस्सा है, जो कि है खड़ाऊ, जो कि साधु संत ऋषि मुनि यहाँ तक कि देवी देवता तक पहनते थे खड़ाऊ। जूते चप्पल ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। पहले माता और मातृ शिव थे पहले खड़ाऊ, जो कि हनुमान जी के अभी चरण पादुका थी। राम जी के तो चरण पादुका यानी खड़ाऊ लेकर तो भरत राजा 14 साल तक राज्य चले श्री राम जी का, उनकी खड़ाऊ आसन पर रखकर। तो देखिए दोस्तों, खड़ाऊ क्या चीज़ है, लाओ दोस्तों। ये है खड़ाऊ, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो लाइफ में आपके पैर का आकाश इधर वाला हिस्सा बताओ। देखिए दोस्तों, आपके लाइफ में ये वाला हिस्सा आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करते जूते या चप्पल पहनने के बाद। और सबसे बड़ी बात, 30 साल के बाद में ही आजकल युवाओं को घुटने में दर्द आना, कमर में दर्द आना, गर्दन में दर्द आना कॉमन चीज़ है। लेकिन हमारे ये खड़ाऊ कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर इसको एक उठाव है, ये उठाव सीधा सीधा आपके तलवे के ऊपर असर दिखाने के बाद में आपकी कमर को, आपकी गर्दन को, आपकी पीठ को एकदम सीधा रखेगा। और इसको कभी भी आप शुरुआत कर रहे 3 मिनट से पहले इसको नहीं करना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, जैसे कि कई सारे जो कम से कम 30 साल, 28 साल, 25 साल के हैं, शायद उन्होंने बचपन में आजमाया होगा कुर्सी पर बिठाकर, पीछे से तौलिए से मारते थे, सामने से किसी को छीने लगाते थे, तो उनके बॉडी में से करंट आता था। वो करंट अभी नहीं है, क्योंकि अपने बॉडी पर एनर्जी रहती, करंट रहता अपने बॉडी के अंदर। लेकिन ये जूते चप्पल पहन के और ज़मीन को वापस टच करके वो एनर्जी अपन निकाल दे रहे, दूसरों को टच करके उन ज़मीन से एनर्जी निकाल दे रहे। अगर आप कई मंदिरों में देखे, भगवान को टच करने नहीं देते, आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान को छूना मना है, कई सारे साधु संतों को छूना मना है। क्यों? उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाती, यही मुख्य कारण है। दूसरों के कल्चर को अपनाते जा रहे, अपनी सभ्यता को अपन भूलते जा रहे। तो ये खड़ाऊ जो पहन रहे, ये खड़ाऊ पहनने वाला भी पहले दिन 3 मिनट इसको इस्तेमाल करना, 3 मिनट के बाद इसको दूसरे दिन 4 मिनट इस्तेमाल करिए, तीसरे दिन 5 मिनट, ऐसा डेली 1-1 मिनट करके 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना है। इसका रिजल्ट 3 मिनट से ही शुरू होगा। जो अपने भाई बंधु थके मांदे आते हैं ऑफिस से, दिनचर्या का काम करके, वो अगर आने के बाद इससे 3 मिनट की अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। उनकी स्पाइन कभी भी ऐसे बेंड नहीं होंगी, एकदम अखंड धनुष की तरह, कमान पट्टी की तरह ऐसे खड़े रहेंगी, उनकी गर्दन नहीं झुकेंगी। तो कई सारे लाभ है इस खड़ाऊ के। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपके सभी नस नाड़ियों को इन्हें मात्र और मात्र 3 मिनट से खोलना शुरू कर देंगे। जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी बताया कि नारायण बलकर अपने पास एक बंधु आए थे और कई सारे स्लिप डिस्क के रोगी आए थे, उनको इनसे खाली यहाँ पर आके 2 से 3 राउंड मात्र ये खड़ाऊ पहनने के बाद में फ़र्क आना चालू हो गया, यानी दर्द उनका हिस्सा हिस्से चले गया मात्र और मात्र 3 मिनट में। और एक बात दोस्तों, ये पहनकर अगर आप क्षत्रिय प्राणायाम कर रहे, आपको अगर क्षत्रिय प्राणायाम से आज तक कुछ भी लाभ पहुंचा, तो ये खड़ाऊ पहनने के बाद आपको क्षत्रिय प्राणायाम का लाभ 10 गुना और ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मल योगा से यानी नॉर्मल योग से आपको लाभ पहुँचता, क्षत्रिय योग से आपको ज़्यादा लाभ पहुँचता। उसके ऊपर अगर आप ये खड़ाऊ डाल के कर रहे अभ्यास, तो आपका एनर्जी लेवल आप सोच भी नहीं सकते, उतना आपको दिन भर में एनर्जी रहेंगे। दुबले पतले जो रहते उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़, जिनको खाने को खाना आँख को नहीं भी लगता, जल्दी से नहीं पचता, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़। मैं ख़ास तौर से जो मेरे पुराने मुद्गर लिए मुझसे, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये आप एक बार इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने के बाद में
आपको इसका रिजल्ट चौंकाने वाला मिलेगा। और हम लोग तो अभी ऐसा है, चप्पल ऐसे ऐसे छोड़ दे के सिर्फ 24 घंटे खड़ाव पे ही रह रहे, इतना हमारे को अच्छा इसका फ़ायदा मिला। मैं ये 2012 से इस्तेमाल करता हूँ मेरे मित्रों, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप भी इसको इस्तेमाल करके एक बार अपनाइए और ऐसे ऐसे जूते चप्पल छोड़ दीजिए। जूते चप्पल क्या रहता, नरम रहता, नरम रहने से जितना आप आरामदायक रहेंगे, जितना आप नरम रहेंगे उतना ही लो, जितना आप आराम देंगे अपनी बॉडी को उतना ही आपकी बॉडी यानी आपका जिस्म आलस से भरपूर हो जाएगा, आपको कुछ काम करना दिल नहीं बोलेंगे और आपकी हड्डियाँ ऐसा ऐसा कमज़ोर होते जाएंगी जिससे आपके घुटनों के अंदर एक एज के बाद दर्द आना चालू होना, या सुबह उठते कि आपको किसी किसी भाई बहनों को, किसी किसी माता बहनों को कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, यह आम बात है। क्यों? इसका कारण आपके जूते और चप्पल है। हम नरम मुलायम चीज़ों के, हिंदुस्तानी नरम और मुलायम आरामदायक चीज़ों के आदि नहीं है। कठोर कठोर जिस्म और साथ ही साथ मेहनती लोग, एक्टिव लोग,